क्या हो गया है? संडे वाले दिन क्यों उठवाया आपने मुझे? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पूरा हफ्ता तुम अपने ऑफिस में बिजी रहती हो, अब संडे भी तुमने क्या सो के गुजारना है? कुछ एहसास करो ना अपने शौहर का, कुछ केयर शो करो अफनान के लिए। सुबह सुबह क्या हुआ है आपको? 1 बज रहा है, अगर तुम इस वक्त सोकर उठी हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अभी सुबह हुई है। अब ऐसे क्या देख रही हो? तो बस ये देख रही हूँ कि मैं तो संडे को हमेशा ऐसे ही उठती हूँ, मेरी तो हमेशा की यही रूटीन है। हाँ तो अपनी रूटीन चेंज करो, ये बहुत फखर की बात नहीं कि तुम इतना लेट सो के उठती हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है अली से? जिस रूटीन में तुम घूम रही हो ना, उन हरकतों की वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे दूर भी हो सकता है। अच्छा मामा, मैं चेंज करके आती हूँ। किसका फोन आ रहा है बेटा? जी वो मेरी दोस्त की कॉल है, मैंने कपड़े दिए थे ना इसको सीने के लिए तो वो इसलिए कॉल कर रही है। तो उठा क्यों नहीं रहे? उठा लो। क्योंकि ये बातें बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा बात होनी है ना। अभी अगर कॉल पिक करूंगी तो काफी देर तक फिर बातें करती रहेगी, खाना खा रही हूँ इसलिए बस। बस मैंने एक बात का हिसाब लगाया, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह फारिग है, कोई और काम नहीं है इनके पास। फोन पे फोन किया जा रही है। बेटा फोन उठा लो ना, कर लो उससे बात, वरना तुम्हारा दिमाग खाती रहेगी, खाना बाद में खा लेना। हेलो हेलो स्वीट हार्ट। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है यहाँ पे सिग्नल्स का कुछ मसला है, मैं बात करके आती हूँ बाहर।
हेलो, क्यों कॉल किया तुमने? हाँ वो मिलना था तुमसे। क्यों कर रहे हो? ये गलत कर रहे हो तुम। अरे स्वीट हार्ट, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। तुम्हारे घर में कोई सुन सकता है? मैं खुदा का वास्ता। पहले भी अपने घर वालों से झूठ बोल कर आई, बार बार नहीं कर सकती हूँ। खुदा के लिए मेरी मजबूरियों को समझो। मजबूरियों की तो कीमत होती है ना मेरी जान। बल्कि हर चीज की कीमत होती है ना। अगर तुम मुझे कुछ दोगी तो बदले में मैं भी तो तुम्हें कुछ दूंगा। कामयाब बिजनेस का यही उसूल होता है। तुम चाहते क्या हो? पहले तो मैं तुम्हें चाहता था, हाय, लेकिन चलो तुम्हारी खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा। अब एक डील करते हैं। कैसी डील? सिंपल है, तुम मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए दो। बीस लाख रुपए? किस सोच में पड़ गई? तुम्हें सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, लेकिन बताऊं किस बारे में? एक वायरल गर्ल जिसकी एक आम सी न्यूज, एक आम सी तस्वीर या एक आम सी वीडियो उसके अकाउंट से हैशटैग होकर वायरल हो जाए, ट्रेंडिंग में आ जाओगी तुम। अब तुम सोचो, मैं एक आम सी तस्वीर की बात कर रहा हूं। तो सोचो क्या होगा।